Hi everyone, my name is Himanshu Kumar. I am faculty of English of this institute study trend channel. आइए तो डिस्कस करते हैं. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारी रूटीन जो है डेली की, उसके हम फॉलो करेंगे पर डे. ठीक है, तो रूटीन में सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, वो कैप्स था, जिस पे हम डेली के 7 से 8 मिनट देने वाले हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. कुछ चुनिंदा वर्ड्स मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, और वोकैब्स ऐसे होंगे हमारे कि जो हमारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ भी आपके काम आए, और जनरल जो लाइफ में यूज होता है वहाँ भी आपको उसका यूज पड़े. जैसे मैं आपका पहला वर्ड यहाँ दिख रहा है आपका सेंस्योर, मतलब निंदा करना. मीनिंग आपको आई थिंक क्लियर दिख रही होगी, सब अच्छे से दिख रही होगी. ठीक है, वैसे तो आप इसको बाद में नोट करना, पहले मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ. साथ में इसके कुछ सिनोनिम्स भी डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, हाँ, और साइनोनिम्स होता क्या है वैसे, साइनोनिम्स इसका मतलब होता है सिमिलर मीनिंग. ठीक है, जो इसका इससे रिलेटेड हो, इससे मिलता जुलता हो, सेम उसके जैसा हो. ठीक है, तो जैसे मैं मान लो यहाँ सेंस्योर है, इसका मीनिंग हो गया निंदा करना. इसका एक और मीनिंग हो जाता है, क्या होता है देखते हैं. क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मीन्स भी होता है निंदा करना. फैटल, फैटल यानी मौत का कारण. इसे आप नॉर्मली चाहो तो ये हाँ डेडली भी बोल सकते हो इसे. बेसिकली वर्ड में डेडली मीन्स भी वही होता है, मौत का कारण ही होता है. फाइडलिटी, वफादारी, वफादारी यहाँ देखिए तो वफादारी, फाइडलिटी आपको एक हमारा वर्ड है फैथफुल, जिसे हम वफादार बोलते हैं, उससे ही रिलेटेड लग रहा है. तो यहाँ फैथफुल इसका वो साइनो हो जाएगा. ठीक है, तो ये फाइटल हो गया. फाइडलिटी को हम लोग फैथफुल से डिस्कस कर लिए, रिलेट कर लिए. सुपरसीयस, अंधविश्वास. अंधविश्वास जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे भूत होता है, भूत का होना अंधविश्वास होता है. ऐसे पूजा पाठ को भी कितने लोग अंधविश्वास के नाम पे बोलते हैं, लेकिन वो होता नहीं है. सब आस्था की चीज़ है, अपनी अपनी मानने की चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ हो गया अंधविश्वास. हाँ, ये वर्ड यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. यहाँ आप देखते हैं बोलेंगे डिफरेंस, पढ़े तो क्या पढ़े, डिफरेंस. डिफरेंस आज तक आप जानते हो डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, लेकिन आपको यहाँ दिखा दें कि यहाँ एक छोटा सा इसमें अलग चीज़ क्या होता है. यहाँ डिफरेंस डी ई है, और जो आप अंतर के लिए डिफरेंस देखते हैं वहाँ डी आई से होता है. ठीक है, तो इस पर आप बेसिकली ध्यान देंगे. इस पर आगे देखते हैं क्या है. डायलेट मतलब विस्तार करना. तो विस्तार करना का ऐसे डायलेट से आपको नॉर्मल थोड़ा मीनिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डायरेक्ट आपको मिल जाए डायलेट तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे. तो इसको रिलेट करेंगे डायलेट को कैसे, एक्सपेंड से. एक्सपेंड, एक्सपेंड से होगा क्या, एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना होता है. ठीक है, तो यहाँ डायलेट से भी विस्तार करना होगा. ओके, आगे देखते हैं. टॉर्पिड, निष्क्रिय. ठीक है, टॉर्पिड निष्क्रिय, इसको आप ये भी बोल सकते हो. जैसे छोड़ो, निष्क्रिय से बम हो गया, उसको डिफ्यूज करना होता है. हाँ, डिफ्यूज आप इसको बोल सकते हो टॉर्पिड को. ठीक है, ये टॉर्पिड निष्क्रिय हो गया. राइवल, बराबरी करना. यहाँ राइवल का मतलब आपका हो गया कंपटीशन. ठीक है, कंपटीशन से आप इसको रिलेट कर सकते हो राइवल को, जिसका मतलब होता है क्या, बराबरी करना. और आगे क्या है, मॉर्बिड. मॉर्बिड लाइक डिजीज हो जाएगा, जैसे रोगग्रस्त होना, डिजीज में से रिलेटेड चीज़ है ये मॉर्बिड. ओके, सिविल मतलब सभ्य. इसको अगर अदर वर्ड में डिस्कस करना चाहे तो इसे आप पोलाइट भी बोलते हो, POLITE. ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के 10 वोकैब्स. आशा करता हूँ कि आप इससे कुछ सीखे होंगे आज, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ से रिलेट करके मैंने बताया, सबको साइनों बताया कुछ कुछ. ठीक है, तो आज का हमारा वोकैब का सेक्शन ख़त्म हुआ.